यह है मेरा डिटॉक्स पानी जिसके बारे में मैं जिक्र कर रही थी। पूरे दिन आपने इसको पीते रहना है, जितना पी सकते हैं। और थैंक यू, लोअर बॉडी स्क्वाट्स, फ्लोर एक्सरसाइजेस, हिप्स, थाइस, सबके लिए आप देख रहे हैं। ये इसमें अपर बॉडी के लिए इसको इसलिए यूज़ करती हूँ, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़े थिक होते हैं, थोड़े रिजिड होते हैं। लोअर बॉडी के लिए दिस इज द बेस्ट, विल गिव यू द बेस्ट आवर ग्लास फिगर। सिर्फ रेजिस्टेंस बैंड्स में अगर आपने इन्वेस्ट कर लिया ना, एक तो इसकी वर्कआउट की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और ये बहुत आसान है, किसी भी जगह कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी वर्क कर सकते हैं एक्चुअली। इसके बाद जो मेरी फेवरेट चीज़ है घर पर वर्कआउट करने के लिए, वो है एंकल वेट्स। ये 3-3 kg के हैं एंकल वेट्स, आप पहनते हैं यहाँ पे। तो मैं भी रेकमेंड करूंगी अगर आपने बिगिनर्स लेवल कर रहा है, 3 kg से आप शुरू करें। और एंकल वेट्स आप इसके साथ भी अगर आप इसको थाइस पे रखें और ये एंकल वेट्स इस्तेमाल करें फ्लोर एक्सरसाइजेस, स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस के लिए, बट थाइस, आवर ग्लास फिगर, आपको बहुत ही मज़ा भी आएगा इसके साथ। टीवी के सामने कर लें, कमरे में कर लें, कहीं भी कर लें। बात यह है कि आपके लिए जो आसान हो, आपने वही सस्टेनेबिलिटी, प्रैक्टिबिलिटी, टिकैलिटी के साथ वो प्रोग्राम अपने लिए डिज़ाइन करना है जो आप कर सकें, जिसे आप निभा सकें। वही वाली बात है, जिम के कपड़े लेके, जिम की एक्सपेंसिव मेंबरशिप्स लेके अगर आप 3 महीने बाद ना जा सके, टाइम ना निकाल सके, कम्यूट ना कर सके, आपके ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये फैक्टर्स ये बाद में पाइल अप होती हैं। तो इससे अच्छा है घर में आप ये चीज़ें रखें। अगर आप किसी दिन जिम नहीं जा सकते या लगातार कुछ दिन नहीं जा सकते, आप घर में ये बेसिक इक्विपमेंट ज़रूर रखें और घर पे एक्सरसाइज करें। उसके बाद अगेन 3 kg ईच डम्बल्स, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, स्क्वाट्स, लंजेस इसके साथ कर सकते हैं। बैक के लिए बड़ा मुफीद है, थोड़ा सा चेंज अप करते रहें। किसी दिन रेजिस्टेंस बैंड के साथ कर लिया, किसी दिन हैंड वेट्स के साथ कर लिया, थोड़ा चैलेंजिंग करते रहेंगे, मसल ग्रुप रिस्पॉन्ड ज़्यादा करता है। एक ही मोनोटोनस एक्सरसाइज नहीं करनी आपने। इसके बाद ये है जनाब, ये भी वेट है, 6 kg है। तो मैं, आप देख रहे हैं, मैंने सारी चीज़ें 6 kg की बेसिक लेवल पर इसलिए रखी हैं, स्क्वाट्स वगैरह के लिए। ये भी बड़ा मुफीद एक आइटम है। अभी मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा अप कर लूँ, 4-4 kg के मैं वेट्स मंगा लूँ, क्योंकि एज़ यू गो अलॉन्ग, एज यू प्रोग्रेस एडवांस लेवल पे, आपको अपने वेट्स रेजिस्टेंस भी ज़्यादा करनी है। एज़ यू एज, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये सब बहुत अच्छा है, योगा, रेजिस्टेंस बैंड, सब चीज़ें, लेकिन अपने बोन्स को स्ट्रांग रखने के लिए, क्योंकि हम जैसे ही हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारे बोन्स जो है उनकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए आप काफ़ी लोगों को, बुजुर्ग लोगों को देखते हैं, वो कितने फ्रेल लग रहे होते हैं, और उससे, क्योंकि आपका ढांचा ही सब, स्ट्रक्चर ही सब कुछ होता है, तो उसके लिए वेट्स बड़ी ज़रूरी चीज़ है। ये सब बहुत डूएबल है, अफोर्डेबल है, अपने घर पे, अपने प्रिवेसी से, अपने टाइम पे, अपनी कन्वीनियंट पे आप कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई बहाना नहीं चलेगा कि जिम आज गाड़ी नहीं है, आज फला मुझे छोड़ा है, जिम के पैसे नहीं है, 1 घंटे में आने जाने का टाइम लग जाता है, मैं कैसे करूँ, नहीं कर सकती, ये नहीं होगा। ये होगा तो एक्सरसाइज भी होगी। सो स्टार्ट टूडे, order this very basic stuff, start with resistance band, build it up and start working out and transform your life now. मिलते हैं अगले व्लॉग में, जहां पे मैं आपको बताऊंगी घर में कौन से एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं बगैर वेट के और किसी भी टाइम, जो आपकी पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करेंगे। अच्छा।